वही जो इस कुंडली में मिला है। समय भी ठीक नहीं है। और अगले 8 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं।
देखा कर दीदी, बड़ों के सवालों को टालना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों का दिल बहलाना बहुत मुश्किल है। कुछ तुमसे बार बार अपने सवालों के जवाब मांगने लगा, और जिस दिन तुम उसे ये बता दी कि तुम भी उसकी माँ हो, वो अपने पापा के बारे में तुमसे जरूर पूछेगा। तब तुम उसे क्या कहोगी? यही कि उसके पापा मर चुके हैं। हाँ काका, वैसे ये कहूंगी कि उसके पापा मर चुके हैं। दीदी, कम से कम एक बार तो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करती थी। काका, ढूंढा उसे चाचा है जो जंगो चाचा, जो लोग ठोकर मार के चले जाते हैं, उन्हें तो याद करने पर भी दर्द ही होता था। काव्या, तुम तो यही जानती हो मैं कौन हूँ। मैं उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना चाचा हुए भी मुझे तुम पे माँ और कुछ कुछ छोड़कर दूर जाना पड़ा। लेकिन अब मैं कमजोर नहीं, अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर चली गई। सबके सामने ये एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि कुछ मेरा डर है, मेरे और काका भी। मैं उस आदमी को भूल जाना चाहती हूँ। प्लीज बार बार मेरे सामने उसका संस्मरण किया करो। सोनिया, तुम मुन्ना से शादी नहीं कर सकती। मुन्ना की शादी होने वाली है सोनिया के साथ। छोड़ो छोड़ो, लेकिन सर,
मैंने कहा ना छोड़ो उसे। लेकिन आपने उसे देखा? किसी से मार रहा था? जरूर किसी ने उसे उकसाया होगा, वरना इज इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। छोड़ो छोड़ो उसे, मैंने कहा ना तुम्हें, गलती उसी की होगी। तुम जाओ यहां से, तुम जाओ। ठीक हो ना दीदी? तब ठीक, अब इस हॉस्पिटल में सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर घर चले जाना। ने हमको सुझा, अगर अगर डॉक्टर ने देख लिया तो यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये पागल पर मुझे करके फंसाता है तो कभी भी फंस जाता है। मुझे समझ नहीं आता था कि इससे मुझे फायदा होगा कि नुकसान। उस दिन पागलपन में मैंने तानी को मार तो दिया। अगर मैं ताली को मार नहीं देता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और सोनिया भी मुन्ना के करीब नहीं जा जाती। लेकिन कोर्ट में अगर पागल होने का नाटक नहीं करता लेकिन अब जल्दी से मुझे यहां से निकलना है। जल्दी कुछ
दिव्या तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरा बेटा है या नहीं? क्यों मुझे कुछ मेरा बेटा